हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोर्ट ऑफ अस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा होता है, साउथ साउथ को रिपेल कर रहा होता है, रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक मेरिडियन वगैरह, पोल स्ट्रेंथ वगैरह, बाकी सारी चीजें ही हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारा, उसके साथ इसकी एनालॉगस फॉर्म में लेके चलेंगे। बेटा, हम इसका यूज कर रहे होंगे, जो एनालॉगस फॉर्म है उसका हम यूज कर रहे होंगे कि सिमिलर उसके साथ उसका कंपैरिजन, उसके साथ उसका कंपैरिजन, इस टाइप से हम करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं एनालॉगस फॉर्म जो लिख रहा हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैग्नेटिज्म की लिख रहा हूं और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक की लिख रहा हूं। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास क्या होते थे, दो चार्ज होते थे, एक प्लस होता था और एक माइनस होता था, है ना। एक पॉजिटिव होता था और एक क्या होता था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता था। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो एनालोगस है वो हमारे पास कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल है। और जो हमारे पास नेगेटिव है उसका जो एनालोगस है वो कौन है, हमारे पास साउथ है। मीन्स जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज कर रहा था, वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, नेगेटिव नॉर्थ पोल कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन कर रहा है, वो साउथ पोल काम कर रहा है। क्लियर बच्चे बात? अच्छा, फिर उसके बाद हमने पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। पी इज इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू में टू ए था, है ना। पी इज इक्वल टू क्या था बेटा, क्यू इंटू में टू ए था। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, यहां जो क्यू है, मींस यहां जो चार्ज है, यहां जो चार्ज है उसका काम मैग्नेटिज्म में कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ कर रहा है ना। यहां पे कौन कर रहा है बेटा, उसका काम जो चार्ज काम कर रहा है वहां पे कौन कर रहा है, ये पोल स्ट्रेंथ कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी तो यहां पे क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम एम से डिनोट कर देंगे। मींस अब की बार जो पी का एनालोगी है वो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और इस क्यू का एनालोगी क्या है हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ है। तो मींस जो हमारे पास ये पी है डाइपोल मोमेंट, यहां पे ये क्या आ गया, एम इज इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू टू ए था। तो क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एम इंटू में जो टू ए की जगह पे क्या थी, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का सेपरेशन था। मींस एल यहां पे क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी किस किस के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ठीक है, अगर आप इसको इस टाइप से सेपरेट कर रहे हो कि हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सेंटर है, ये ए मान लिया हमने, ये ए मान लिया, तो सीधी सी बात है तब भी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस टू ए हो जाएगी। तो इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू टू ए लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की जो एनालॉगी है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब सीधी सी बात है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी तो यहां पे कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब उसके जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क इसके अंदर भी पढ़ा था आपने, क्या था, पी क्रॉस ई था, है ना। टॉर्क क्या था, पी क्रॉस ई था। पी पी की जगह पे यहां पे कौन आ गया, एम आ गया, है ना, एम आ गया ये वाला। तो हमने क्या लिख दिया, पी की जगह पे क्या लिख दिया, एम लिख दिया। E की जगह पे E का एनालॉगी कौन है, B है, तो यहां पे क्या लिख दिया, M क्रॉस से B लिख दिया। तो मींस हमारे पास जो टॉर्क आया है दैट इज एनालॉगस है, दोनों दोनों फॉर्म हमारे पास कैसी हैं, एनालॉगस फॉर्म है। तो एक M क्रॉस B है और एक हमारे पास P क्रॉस E आ जाएगी फॉर्म। ये फॉर्म हमने क्या कर ली, डिटरमाइन कर ली इस हिसाब से। क्लियर है बच्चे? तो ये एनालॉगस फॉर्म हम स्टडी करते चलेंगे। ऐसे ही आप वो भी लिख सकते हो जैसे उसके अंदर लिखा था आपने पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा वाली फॉर्म, जो पी कॉस थीटा वाली फॉर्म थी वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे जो वर्क डन आया था। तो जो भी आएगा वट एवर इट इज, तो हम एनालॉगस फॉर्म में हम कर सकते हैं। अब सेम पैटर्न में हम चलेंगे कि कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो यहां पे मैं हेडिंग बना रहा हूं कि कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के अंदर कैसे पढ़ेंगे हम, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कूलम्स लॉ। एफ इज इक्वल टू क्या था, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर था, है ना। मीन्स वहां पे जो के था वो के
क्या था, 1/4 pi epsilon naught था, है ना। यहां पे k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, म्यू नॉट बाय में 4 पाई मिलेगी। यहां पे k की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट बाय में 4 पाई मिलेगी। मींस देखो यहां पे म्यू नॉट है, यहां पे क्या है, 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम कौन कर रहा है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कर रहा है, वो काम यहां पे मैग्नेटिज्म में कौन कर रहा है, म्यू नॉट कर रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हम जो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, वो क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, सीधी सी बात है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। मींस मैंने क्या वर्ड बोला कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, इसलिए मैंने जो वर्ड बोला वो इंट्रैक्शन बोला है। मींस जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स है ना, वहां पे क्या था, चार्जेस थे, यहां पे क्या है, टू पोल्स है ना, जो पोल्स है हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, है ना। मींस हमने क्या लिख दिया, m1 और m2 के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ बनेगा, F directly proportional to क्या बन जाएगा, M1 M2 divide by में R square, proportionality constant यहाँ पे लगाओगे तो K की जगह पे क्या लिख देंगे हम, mu not by में 4 pi लिख देंगे, M1 M2 divide by क्या आ जाएगा, R square आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कूलम्स लॉ बन जाएगा मैग्नेटिज्म के अंदर। तो mu not by 4 pi की वैल्यू पता ही आपको 10^-7 होती है। क्लियर बच्चे। तो इस साइड से आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, फोर्स जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ से हमने उसमें भी क्या किया था, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्लियर है। तो सेम पैटर्न में हमने यहां पे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आपने इलस्ट्रेशन करनी है, कोई न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो सीधी सी बात बेटा, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा था, सारे पैरामीटर वही मिलेंगे आपको, ठीक है। मींस बस क्या आ जाएगा, क्यू की जगह पे M1 आ जाएगा, क्यू टू की जगह पे क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा, और उनके बीच का सेपरेशन दिया होगा। मींस सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि 10^-7 होती है। अब फोर्स पूछेगा तो क्या दिया होगा, M1 M2। मींस इन चार पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर क्या होगा, अननोन होगा, बाकी पैरामीटर सारे क्या होंगे, नोन होंगे। उसी बिहाव पे आप जैसा उसके अंदर कर रहे थे, यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज कर सकते हो। क्लियर बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा यहां पे कर रहे हैं, मींस आप एक बात बताओ, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इसको हम किसके अंदर मेजर कर रहे हैं, एम्पियर मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, है ना, किसके अंदर मेजर कर रहे हैं बेटा, एम्पियर मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं। इसको भी किसके अंदर मेजर करेंगे, पोल स्ट्रेंथ को एम्पियर मीटर के अंदर मेजर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाए कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, जैसे आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई में R स्क्वायर। ये Q1 क्या था, 1 कूलम था, ये भी क्या था, 1 कूलम था, है ना, इस साइड से। तो इसमें क्या पूछा था कि डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को आपने क्या किया था, डिफाइन किया था। तो इन सेम पैटर्न हम यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर मीटर। 1 एम्पियर मीटर कैसे डिफाइन करोगे, तो सीधी सी बात है, हमारे पास कौन सा मेथड है, यूनिटी मेथड है। यूनिटी मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए बेटा, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ठीक है, और ये क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो जो फोर्स बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10^-7 बन जाएगी, है ना। मींस अगर आप M1 जो पोल स्ट्रेंथ है वो 1 कह रहे हो, और जो M2 है उसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी कह रहे हो आप, 1 एम्पियर मीटर कह रहे हो, ये भी 1 एम्पियर मीटर है, तो जो हमारे पास फोर्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10^-7 है ना। अब M1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, M1 2 की वैल्यू 1 पुट कर दी, और डिस्टेंस भी कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है, दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, है ना। क्या कहा मैंने कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी, दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर इफ दिस सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल स्ट्रेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और कितनी फोर्स प्रोड्यूस करे,
10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन फोर्स अगर वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी कहलाएगी बेटा, 1 एम्पियर मीटर कहलाएगी। ठीक है, मींस हमने क्या किया कि भाई दो इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि सीधी सी बात है हमने इक्वल एंड अपोजिट लिया, यहाँ पे एक नॉर्थ था एक साउथ था, यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने एक नॉर्थ ले लिया एक साउथ लिया, तो इनके बाद इनके अंदर क्या होगा बेटा, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ हम ले ली, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 एम्पियर मीटर किसको कहेंगे अगर इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है कितना आए 10 पावर माइनस 7 न्यूटन आए, कब जब इनके बीच का सेपरेशन भी कितना हो बेटा 1 मीटर हो, तो वो पोल स्ट्रेंथ कितनी कहलाई जाएगी 1 एम्पियर मीटर कहलाई जाएगी। क्लियर है बात, मींस कि आपने क्या किया इन दोनों को सेपरेट कर दिया कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट किया, और जो फोर्स एक्सपीरियंस हुई वो कितनी हुई 10 पावर माइनस 7 न्यूटन हुई, तो जो पोल स्ट्रेंथ बनी है जितनी भी ये पोल स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर मीटर बोल देंगे। क्लियर है, तो इस बिहाफ पे हम 1 एम्पियर मीटर की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने इलेक्ट्रोस्टेटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? तो ये क्या है बेटा कि जैसे उसमें था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम पैटर्न में यहां भी चलेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि भाई इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा इमेजिनरी कर्व है। कैसी है? इमेजिनरी कर्व भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर इमेजिनरी स्टेट और कर्व पाथ एंड टेंजेंट टू विच गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इसके ऊपर भी क्या करोगे आप, जैसे ये है इस टाइप से आपने क्या किया इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो यहां इस पॉइंट पे क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां आपने टेंजेंट ड्रा किया तो ये भी आपको क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा यहां पे। ठीक है, तो जहां जहां आप टेंजेंट ड्रा करोगे वहां वहां आपको क्या मिलेगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलेगी। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जो आप उसके अंदर भी पढ़ा था आपने कि जो स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मींस इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस यहां पे अगर इस पर्टिकुलर एरिया में से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी 2 लाइन पास हो रही है, ये एरिया और ये एरिया हमने मान लिया कि बराबर है, तो सीधी सी बात है कि यहां पे जो पोल स्ट्रेंथ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है ज्यादा है और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है कम है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ा था हमने कि दीज आर इमेजिनरी, है ना, कहां से कहां स्टार्ट होती है, दीज आर इमेजिनरी कर्व्ड पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड से हमने बोला था। तो यहां पे पॉजिटिव का एनालॉगी कौन है, पॉजिटिव का एनालॉगी नॉर्थ पोल है और उसका नेगेटिव का साउथ है। क्लियर, तो यहां से अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करो तो क्या होगी कि नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही थी, तो इसका मतलब यहां पे साउथ पे जाके टर्मिनेट होंगी, तो जो आउटसाइड द रीजन है वो कैसे होंगे बेटा कि नॉर्थ से स्टार्ट होके और कहां पे जाएंगी साउथ के ऊपर चली जाएंगी, ये क्या है आउटसाइड द रीजन है, बट उनसे डिफरेंट है ये कि वो तो क्या हो रहे थे पॉजिटिव से निकल के कहां जा रहे थे नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहां पे इनसाइड की भी बात हो रही होती है, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो ये क्या बनाया इन्होंने एक कंटिन्यूस कर्व बना दिया, कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि इनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका ना ही तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। हाँ, इस बिहाफ पे इतना कह सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से चलेंगी कहां
साउथ की तरफ, बट इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ मिलेगी आपको। क्लियर है बच्चे? तो इस साइड से हमने ये कंटिन्यूस क्लॉज लूप होती है, ठीक है। दूसरी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या थी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी। अगर आपने मान लिया कि भाई चलो इंटरसेक्ट कर भी रही हो इस साइड से, तो क्या होगा कि अगर आप यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे, तो मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करेगी आपको, एक डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ साउथ, या तो आपको ये शो करेगी या आपको क्या करेगी, ये शो करेगी। तो मींस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी नहीं हो सकती। इन सेम पैटर्न हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट कभी भी लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है बताएगी कि किस टाइप से ये उसकी स्ट्रेंथ बता रही होती है कि नंबर कितने हैं, तीन नंबर है, या जैसे मैंने उसके अंदर भी बताया था आपको तीन है, चार है, जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब उसके बाद जैसा हमने उसके अंदर भी पढ़ा था कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा होता था, रिपेल कर रहा होता था, ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या होगा, मान लिया आपने यहां पे नॉर्थ रख दिया और यहां पे साउथ रख दिया, जिसे आपने डाइपोल का केस पढ़ा था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो सेम पैटर्न में एक यहां पे नॉर्थ हो गया और यहां पे क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो ये क्या होंगी बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ टू साउथ चलेंगी इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हमारे पास ये नॉर्थ टू साउथ चलेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये क्या करेंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मींस ये नॉर्थ और साउथ ही आपस में क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट होकर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है कि जो इसका मोशन है ना, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी, तो लॉन्गिट्यूडनली में क्या है कि जो इसका मोशन है उसी के अलोंग ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब उसके बाद क्या है कि अगर हम यहां पे नॉर्थ यहां पे और नॉर्थ ही यहां पे लेके चलें, तो इन दैट केस नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे उसमें रिपेल किया था, तो इस साइड से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, मींस ये क्या होगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, है ना, दूर भागेंगी, तो इस टाइप से ये दे एग्जर्ट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ट्रांसवर्सली एग्जर्ट कर रही होती है, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा, है ना, यहां पे क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट नहीं होगा, ना उस वाली का ना इस वाली का, तो क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ी थी यहां पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते। ठीक है, बस मेन फर्क किसमें है, इसमें है कि वो टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन इनका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो अब उसके बाद फील्ड इंटेंसिटी, जैसे उसके अंदर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम पैटर्न में हम यहां भी क्या पढ़ रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैसे फाइंड आउट की थी, F by M किया था, है ना, जो आपने सॉरी E पढ़ा था आपने, F by Q पढ़ा था। ठीक है ना, मींस आपने जो फोर्स एक्सपीरियंस की थी वो किसके ऊपर एक्सपीरियंस की थी, एक यूनिटी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही थी, है ना, किसी चार्ज की वजह से यूनिटी चार्ज पे जो फोर्स लग रही थी उसको आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला था। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, F डिवाइड बाय में M। ठीक है, तो मींस M क्या है, यहां पे जो Q का एनालॉगी है, मास नहीं है यहां पे,
पॉल स्ट्रेंथ है ये यहां पे, ठीक है, एफ बाई एम यहां पे क्या है बेटा, पॉल स्ट्रेंथ है, क्लियर है बात। तो मींस जो एफ है दैट इज एफ बाई बी है जो हमारे पास, दैट इज एफ बाई में एम। अब उसमें तो क्या कहा था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है जो, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इसके अंदर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अगर हम यहां पे जैसे हमने बोला था कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे क्या आना चाहिए, यूनिट नॉर्थ पोल आना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉजिटिव का सिंबल कौन है यहां पे, पॉजिटिव का जो एनालॉजी है वो कौन है यहां पे, नॉर्थ पोल है। मींस जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिटी नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल कैसा मिलेगा आपको, हाइपोथेटिकल मिलेगा, है ना। मींस सिंगल पोल एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा होता, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब क्या मान के चलते बेटा, हम हाइपोथेटिकल मान के चलते, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल के केस में जो हमारे पास यूनिट नॉर्थ पोल पे जो मैक्स एक्सपीरियंस हो रही होगी, मैग्नेटिक जो फोर्स में एक्सपीरियंस हो रही होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसे आपको फोर्स का पता है एफ इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम वन एम टू डिवाइड बाई में क्या था, आर स्क्वायर था, ठीक है। मींस अब हमने क्या कर दिया, एक एम को इस साइड ले आए हम, है ना, एक एम को क्या ले आए, इस साइड ले आए, ठीक है, या इसको आप क्या कर दो, यूनिटी कर दो। मींस जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, है ना, जैसे उसमें था के क्यू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर था, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आएगी बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसे उसमें हमने इसमें कि यहाँ पे कोई चार्ज था क्यू और यहाँ पे क्या रखा था हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, नॉर्थ पोल रख देंगे, यहाँ पे हमने कोई भी जो आपने नॉर्थ रखा है या साउथ रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ रखा है तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे क्या रखा है, साउथ रखा है, ये क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसकी जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इसके टुवर्ड्स हो जाएगी, क्लियर है बात, ठीक है। तो सेम पैटर्न में हम यहां पे चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल वहां पे आपने की थी एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्विटोरियल पॉइंट पढ़ा था आपने, तो यहां पे भी हम एट एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पे अब डाइपोल की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, एक बार मैग्नेट आ जाएगा जिसके कितने पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं, तो यहां पे डाइपोल अपने आप बना हुआ मिलता है आपको एक मैग्नेट के अंदर, तो क्योंकि सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इस एक्सियल पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे, हमने एक डाइपोल की जगह पे क्या ले लिया, यहां पे एक बार मैग्नेट कंसीडर कर, ये नॉर्थ पोल है उसका और ये क्या है, साउथ पोल है। मींस हमने नॉर्थ और साउथ पोल यहां से कंसीडर कर लिए और दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टू ए, मींस यहां से सेंटर मान के चलो आप न्यूट्रल पॉइंट से, तो ए डिस्टेंस ये होगी और ए डिस्टेंस ये होगी यहां से, तो ये कहा गया इसके अंदर कि एट ए डिस्टेंस आर यहां पे फ्रॉम दिस सेंटर आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अलोंग द एक्सिस जो पॉइंट है उसके अलोंग आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात बेटा, हमने यहां पे क्या किया, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया, ठीक है। जैसे उसमें हमने क्या किया था, जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख दोगे, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी आपने क्या रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया था, ठीक है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी ड्यू टू दिस नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, बी ड्यू टू नॉर्थ क्या आएगा बेटा, के है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था अभी के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर था, है ना, तो
तो के एम क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इस नॉर्थ पोल की क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ये इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, यहां भी पोल स्ट्रेंथ कितनी बेटा एम है, ये यूनिट पॉजिटिव है, यहां पे जो है हमारे पास ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव है, है ना। तो अगर आप एफ निकाल रहे होते तो एफ बाई में एम कर रहे होते, तो एफ बाई एम क्या निकाला था हमने, बी निकाला था, बी क्या था हमारे पास, के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर था, तो के एम डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। आर क्या है, इस पोल के और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक आर है, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा, आर माइनस ए बच जाएगा, है ना। तो बी एन क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन अगर आप इसको नेमिंग करो या एस एन टी की है, ये भी, ये यहां पे मैंने क्या लिख दिया, पी रख दिया, तो यहां से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगी, बी नॉर्थ की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, एन से लेके पी की तरफ आ जाएगी, है ना, एन से लेके पी की तरफ, ये डायरेक्शन बन, ठीक है, उसके अलोंग भी, अलोंग एन पी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ अगर आप कैलकुलेट करो, तो साउथ की वजह से जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी, के एम डिवाइड बाई में ये डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी, आर ये और ए ये, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम पैटर्न चल रहा है बेटा, अलोंग डायरेक्शन कहां होगी इसकी, क्योंकि ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो अट्रैक्ट करेंगे तो पी से लेके एस की तरफ इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके ऊपर, ये हमने बी एस लिख दिया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ज्यादा है तो इसकी वजह से कम है, है ना, मींस ये पास है तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये दूर है तो इसकी वजह से ये क्या है, कम है। तो मींस जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आ जाएगी, बी एन माइनस में बी एस आ जाएगी, ठीक है। और जो नेट बचेगी वो किसके अलोंग ही बचेगी, इसी के अलोंग बचेगी, है ना, मींस उसी डायरेक्शन में बचेगी अब भी, क्योंकि ये ज्यादा है नॉर्थ वाली। तो बी एन माइनस बी एस करोगे तो के एम, इसको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो के एम कॉमन आ गया, के एम लिख दिया वन बाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाई में आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, के एम, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जैसे उसमें किया था। तो सेम पैटर्न में यहां पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर हो जाएगा, है ना। मैंने जो माइनस था इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर होना था, तो माइनस करने से इस साइड चार, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बची हमारे पास, के एम इंटू फोर ए आर डिवाइड बाई में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, है ना। अब आप एक बात बताओ, बी की जो वैल्यू आई है के एम इंटू टू ए अगर करो, इस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं, तो यहां पे टू के लिख दिया, तो एम इंटू टू ए पोल स्ट्रेंथ एम इंटू एल क्या थी, मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल एम लिख देंगे, इंटू आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, है ना, क्लियर है बच्ची बात। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, और डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में हम इसकी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी तरफ है, तो एन से लेके पी की तरफ है, है ना। डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी, एन से लेके पी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर स्पेशल केस हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि r ग्रेटर देन a है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के एम आर डिवाइड बाई में r की पावर 4 मीन्स 2 के एम डिवाइड बाई में r क्यूब आ जाएगी, है ना, जैसे उसमें आया था 2 के पी बाई में r क्यूब आया था, है ना, 2 के पी बाई r क्यूब आया था, क्लियर है बात। तो सेम पैटर्न में यहां भी आया, ठीक है। अच्छा, तो
तो अब डायरेक्शन हम लिख देंगे वही अलोंग एनपी, डायरेक्शन वही है अलोंग एनपी। तो ये हमने क्या कैलकुलेट की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की यहां ठीक। अब एक्सियल की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटोरियल भी। अच्छा अब यहां पे के की वैल्यू लिखना चाहो तो के की वैल्यू भी लिख सकते हो बेटा। के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई थी, एम डिवाइड बाई में आर क्यूब है ना, वही लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अब हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो कैसे करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे बनाओगे बेटा। यहां पे बना रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो हमारे पोल हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेगा ठीक है। और बेसिकली हम ये वर्ड जो है वो परपेंडिकुलर के लिए भी यूज कर लेते हैं, क्लियर है बात। तो यहां हमने कंसीडर किया कि ये एक हमारे पास बार मैग्नेट है और ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है ठीक है। तो ये डिस्टेंस ए है सेंटर से और ये डिस्टेंस भी कितनी है ए है, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी है आर मान ली हमने। इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, एक नॉर्थ पोल रख देंगे ठीक है। नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड कितना, यूनिटी, तो 1N लिख देंगे यहां, क्लियर बेटा बात ठीक है। तो अब ये देखो आप कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस टाइप से है ना, मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ आएगा ये उसकी डायरेक्शन में रहेगी ठीक है। तो ये पॉइंट हमने एन मान रखा है, मतलब पी मान रखा था, और ये यहां पे यूनिटी नॉर्थ पोल हमने रखा हुआ है, क्लियर है बात। अच्छा तो बी ड्यू टू एन लिखोगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, ये एंगल अगर थीटा कंसीडर करें तो बी क्या होगा हमारे पास, के एम डिवाइड बाई में आर क्यूब था, सॉरी के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर था है ना, एफ बाई एम था जो आपने पढ़ा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर था, जो सेम पैटर्न में क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू की जगह पे एम डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। एम क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी क्या है पोल स्ट्रेंथ एम, लिख दिया हमने। तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अलोंग एनपी हो जाएगी। तो लिख दिया हमने कि डायरेक्शन अलोंग एनपी आ गई, क्लियर बच्चे बात। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये मैग्नेटिक जो साउथ है यहां पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या कर रहे थे आपस में रिपेल कर रहे थे, तो बाहर चला गया था। लेकिन अब क्या होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस लाइन के अलोंग है ना, ये क्या कर रहे होंगे बेटा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो बी एस की डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। अब ये जो आर है, आर क्या है एक्चुअल में, इसके और इसके बीच का, मतलब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा यहां पे ठीक है बात। तो ये हमने नॉर्थ पोल इस टाइप से कैलकुलेट किया। अब उसके बाद देखो जो हम साउथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साउथ में भी डिस्टेंस कितनी है, यही है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पर आ जाएगा है ना। और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग, कहां से कहां, एन से लेके एस की तरफ होगी, तो अलोंग एन एस हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ठीक बेटा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइन इसके ड्रा करोगे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सीधी सी बात है, सारे पैरामीटर सेम है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना मिल जाएगा, थीटा ठीक है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत आसान है,
यहां आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, बी नॉर्थ कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, बी एन साइन थीटा, है ना, ठीक है। सेम पैटर्न में बिल्कुल बी एस है तो उसकी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, बी एस कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी एस साइन थीटा, है ना। वेक्टर रिजोल्यूशन आपको आता है आई थिंक, मींस इस टाइप से है ये, अलग से शो कर रहा हूं मैं इसको, थीटा है, बी एन है यहां पे, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे करते होते थे, थीटा के साथ वाली थी जो लाइन, यहां पे बी एन कॉस थीटा आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बी एन साइन थीटा आ जाएगा, जो अपोजिट वाली थी, है ना। तो उसी को मैंने यहां पे रिजोल्व करके लिख दिया। सेम मैनर में यहां पे साउथ को भी रिजोल्व कर लिया, बी एस कॉस थीटा और बी एन साइन थीटा। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, साइन थीटा भी सेम है, तो ये और ये क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मींस जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बी नेट जो आएगी, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, इसको बी एस कॉस थीटा, बी एन और बी एस बराबर है दोनों, तो क्या लिख देंगे, या तो टू बी एन कॉस थीटा लिख दो, या टू बी एस कॉस थीटा लिख दो, या तो नॉर्थ लिख दो यहां पे, या साउथ लिख दो, क्योंकि दोनों क्या मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो यहां पे मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अब इस टाइप से यहां पे, तो अलोंग एन एस हुई, है ना, नॉर्थ टू साउथ हुई, है ना, अलोंग नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे एन एस नहीं था बेटा, यहाँ पे पी एस था, है ना, पी से एस की तरफ, यहाँ पे पी से एस की तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो हुई वो क्या हुई बेटा, अलोंग एन एस हुई, ठीक है बात। अच्छा, अब जो हमारे पास टू इंटू बी एन की वैल्यू लिख देंगे हम, के एम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख दिया, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, ए डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूस, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो क्या आया हमारे पास, देखो m इंटू टू ए अगेन क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, है ना, जिसे m इंटू एल था, q इंटू टू ए क्या था, डाइपोल मोमेंट था p, तो ऐसे ही हमारे पास m इंटू टू ए क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, तो के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना, ये वन और ये हाफ, इस टाइप से हमने आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और डायरेक्शन वही रखी है अलोंग एनएस, डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में अलोंग एनएस। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एक्चुअल में साउथ टू नॉर्थ होती है, जो एम की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट, क्योंकि ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है, ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की है, तो जैसा सेम पैटर्न में उसमें आया था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है, अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा एम के अपोजिट, ठीक है। अब सिमिलर सी बात बेटा यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इसके स्पेशल केस कर सकते हो, कि जो बी नेट है वो किसके इक्वल है, के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, मींस ये डाइपोल क्या हो बेटा, अगर छोटा डाइपोल है एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस है उसके कंपेरिजन में हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है, अगर डिस्टेंस क्या है, कंपेरेबल है, इसका साइज और इस डिस्टेंस का साइज लगभग क्या है बेटा, सेम से है, कंपेरेबल है, तो इन दैट केस वी विल नॉट नेग्लेक्ट ए, ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला एज इट इज लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमें एज इट इज लगाना पड़ेगा, नहीं तो देखो ये अगर मान लिया सेंटीमीटर के अंदर है, मान लिया 10-20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, या वेरी शॉर्ट डाइपोल लिखा हुआ है, और ये डिस्टेंस दे दी कि 2 मीटर है, 3 मीटर, 4 मीटर, तो उस केस में तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसको r की वैल्यू ग्रेटर देन a लिखो, तो इसको कैलकुलेट करो, तो क्या आ जाएगा, के एम डिवाइड बाई में आर क्यूब आ जाएगा, b नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू के एम डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर की पावर, क्योंकि ये तो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा,
तो बी नेट जो आया हमारे पास दैट इज के एम डिवाइड बाई में आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने देखा था 2 KM बाई आर क्यूब था, ये डायरेक्शन क्या थी, अलोंग दी डाइपोल मोमेंट थी, ये क्या है अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट है। तो अब सेम बात यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि जो बी एक्सियल है और बी इक्विटोरियल है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2 KM बाई आर क्यूब है, ये क्या है KM बाई आर क्यूब है। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है, इसकी क्या है अलोंग द डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन दोनों की क्या है अपोजिट है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो एक आध न्यूमेरिकल करना है तो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ये फॉर्मूले है, यहाँ पे अलग से नोट कर रहा हूं मैं कि B इक्वेटोरियल वाला है जो, उसकी वैल्यू क्या आई बेटा, KM डिवाइड बाई में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 है, या हम नेगलेक्ट करना होगा तो क्या लिख देंगे KM बाई में R क्यूब लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सियल वाली है, अब यहाँ पे KM, K की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई में 4π, इस K की वैल्यू भी आप लिख सकते हो। तो वही बात है जो सेम पैटर्न में हमें यहाँ पे चल, ठीक है बेटा। तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं यहां पे, इस टाइप से एक हमने मैग्नेट कंसीडर किया ये वाला, और जिसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है कितनी 50 एम्पियर मीटर दे रखी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, मान लो कुछ भी मान लो बेटा 0.1 मीटर दे दी, मान लिया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे दी 0.1 मीटर। अब यहां से मान लिया कि एक पॉइंट पी है दैट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बेटा 0.2 मीटर डिस्टेंस पे है। देखो अब सीधी सी बात है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है तो उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला जो दे रखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स बी जो इक्विटोरियल है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे, ठीक है। ये तो क्या बेटा, जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में आप यूज कर सकते हो। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस है वो क्या है कंपेरेबल है, इसके जो मैग्नेटिक जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसका साइज और जो डिस्टेंस है उसका साइज क्या है कंपेरेबल है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू लिख दूं मैं यहां पे कितनी, एक्सियल का लगाना है यहां पे, एक्सियल है तो बी एक्सियल जो आएगा हमारे पास यहाँ पे, बी एक्सियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये इक्विटोरियल का फॉर्मूला था, ये हमारे पास क्या है एक्सियल का फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 KM R डिवाइड बाई में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर क्या लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, ठीक है। तो K की वैल्यू पता है बेटा आपको, ठीक, K की वैल्यू कितनी है 10^-7 म्यू नॉट बाई 4π, के की वैल्यू क्या है म्यू नॉट बाई 4π, और वो किसके इक्वल है बेटा 10^-7 के, है ना। तो ये आ गया। अब उसके बाद m की वैल्यू, m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, हमें क्या दे रखा है पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी m इंटू में जो इनके बीच की डिस्टेंस है l, तो क्या आ जाएगी 50 इंटू में 0.1 कितना आ गया बेटा 5 आ गया, 5 क्या आई एम्पियर मीटर स्क्वेयर आया, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वेयर आया, क्लियर है बात, ठीक है। तो अब a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है, a r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर था, a क्या था यहां से लेके यहां तक का था, तो कितना आ जाएगा 0.05 हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 आ जाएगी, है ना। r की वैल्यू पता है आपको, r सेंटर से डिस्टेंस माप रहे होते हैं, तो r की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 0.2 मीटर लिख, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमें क्या मिल गई, नॉन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बी एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, बी इक्वेटोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0.2 मीटर हो जाएगी, है ना, ये 0.05 है। तो अब की बार हम किसका यही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आर भी कैलकुलेट कर रखा है, ए भी कैलकुलेट कर रखा है, तो बी इक्वेटोरियल में ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू हमने क्या कर दी बेटा, कैलकुलेट कर दी। जस्ट आपने क्या रखना है, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है। मींस क्या आ जाएगा, के एम बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। के कैलकुलेट कर रखा हमने इतना, एम कैलकुलेट कर रखा है ये कर रखा, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है ये कर रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है ये कर रखी है। तो सीधी बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करके सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है बात। अच्छा अब एक न्यूमेरिकल दूसरा लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे हमने कंसीडर किए कि दो बार मैग्नेट है इस टाइप से, एक बार मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है और एक बार मैग्नेट यहां पे रखा, ठीक है। इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है, M1 कितना दे रखा है यहां पे, 32 दे रखा है, और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लिया कुछ भी मान लो 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इन दोनों की जो शॉर्ट है मिटाएगी, ठीक है। तो यहां पे शॉर्ट है तो सीधी सी बात है ए मायने नहीं रखेगी। मैंने कह दिया कि भाई अगर आपके पास दो शॉर्ट मैग्नेट है, जो शॉर्ट बार मैग्नेट है, तो यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो ए है वो हम इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, ए की वैल्यू हमारे लिए काम की नहीं है ज्यादा, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, ठीक है। अच्छा फिर कहा कि यहां से कितनी दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे, और यहां से कितनी दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है। एक पॉइंट है यहां पे P, उसके ऊपर आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक बेटा। तो यहां पे आपने क्या कंसीडर किया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस साइड से हमने पोलैरिटी ऐसे भी हो सकती है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कैसे भी केस बन सकते हैं। तो यहां हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से जब आप देखोगे, इसकी वजह से देखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने यहां पे क्या रखा, नॉर्थ रखा, है ना, नॉर्थ रखा। तो अब आपने जो बी कौन सा है, ये एक्सियल वाला है या इक्वेटोरियल वाला, इसके केस में देखो क्या बन रहा है, ये इक्वेटोरियल बन रहा है, क्योंकि इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इससे भी ये इक्वल डिस्टेंस पे है, है ना। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल वाला केस है, मींस ये वाला केस हम कंसीडर करेंगे। अब इसके अंदर जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट थी, है ना, अपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन थी। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी बेटा, यहां पे नीचे की तरफ आएगी, है ना, यहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी बी वन वाले केस में, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बी वन लिखो तो क्या लिखोगे, के एम बाई में आर क्यूब, के एम डिवाइड बाई में आर क्यूब, के की वैल्यू कितनी है 10^-7, एम की वैल्यू कितनी है 32, डिवाइड बाई में आर कितना है 4 है, तो 4×16=64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी वन की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बात। अच्छा अब इस केस में देखो, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो अब इसके केस में क्या आ जाएगी, अपोजिट होगी इसकी, तो ये हमारे पास बी टू की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के ऊपर बी टू की डायरेक्शन होगी, है ना। तो जो बी टू आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, Km by R की फॉर्मूला वही है, K की वैल्यू कितनी है 10^-7, M की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 27 दे रखी है, और यहाँ पे R कितना है 3×9=27 दे रखी है, है ना। तो इस टाइप से 27 से 27 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 10^-7 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 0.5×10^-7 आ जाएगा, है ना। तो इस साइड से आपने कैलकुलेट किया। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन दोनों का कम्बिनेशन, क्योंकि आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो B नेट होगा आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, B1² + B2² आ जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक बेटा, क्लियर है बात। अगर ये ऐसे होता तो इसकी वजह से तो क्या होता, नॉर्थ साउथ वही रख रखे हैं इसमें, तो ये B1 होता, ये उल्टा कर दिया हमने, तो इसका मतलब अब की बार क्या हो जाता, ये हो जाता B2, तो भी कितना होता मैग्नीट्यूड, तो क्या आता, वही आता है ना। अब डायरेक्शन क्या आई है, ये आई है, ठीक है। डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एंगल थीटा है ना, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो टेंजेंट थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेंजेंट थीटा है ना। ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे, मतलब यहाँ जो आप कैलकुलेट करोगे, ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कितने के कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, क्योंकि B2 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, ये हमारे पास क्या है, B1 है ना, B1 है, और ये हमारे पास क्या है, B2 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, B1 डिवाइड बाई में B2 आ जाएगा, है ना। 3 और 4 के हिसाब से जो आपने कैलकुलेट करी है B1 और B2 की वैल्यू, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, B1 बाई B2, तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, B1 की वैल्यू 0.5, तो 1/2 आ जाएगी, इससे ये कैंसिल होगा, इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ भी कर सकते हो और वर्टिकल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है बच्ची, थैंक यू।